इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया की करेंसी इतनी वैल्यूएबल हो गई है कि कल 35 ममालिक ने कहा था कि इंडियन करेंसी यूज करेंगे इंडिया के साथ ट्रेड करने में। आज रशिया और श्रीलंका ने इतना बड़ा बयान दे दिया है कि हम इंटरनेशनल बेस सिर्फ और सिर्फ इंडियन करेंसी यूज करेंगे। तो पाकिस्तान कहां पर लाया करे? पाकिस्तान शदीद मुआशी बहरान का शिकार, डिफॉल्ट होते मुल्क की तकदीर आखिर कौन बदलेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं पूरी दुनिया में, एक S&P ग्लोबल है, उसने पाकिस्तान की जो सॉवरन क्रेडिट रेटिंग है उसको B से C ट्रिपल C प्लस जो है वो कर दिया। रशिया और श्रीलंका का कहना है कि हम अगर इंटरनेशनल बेस किसी भी मुल्क के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडियन करेंसी को यूज़ करेंगे, डॉलर को नहीं। अगर डॉलर को यूज़ करना बंद करते हैं तो US को बहुत बड़ा नुकसान होगा और US के सैंक्शंस जो कि इंडिया पर नहीं लग पा रहे, US के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है जिससे मुल्क और कौम को बदतरीन हालात की तरफ भी ले जाया जा रहा है। 8 माह में इस मुल्क और कौम के साथ जो तजर्बे किए गए इससे मुल्क में तो कोई बेहतरी होती हुई नजर बता हुक्मरानों के अपने कानूनी सियासी और माली मामलात बड़े अच्छे हो गए हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। द रीजन बिहाइंड इज कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके अंदर तकरीबन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $6.7 बिलियन थे जिसमें $584 मिलियन मजीद कम होकर दैट हैज रिड्यूस्ड टू $6.1 बिलियन इस वीकेंड पे ये जो सिचुएशन जो है वो इमर्ज हुई है। देखें वो मुल्क दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट दे आर मेकिंग एन इंपैक्ट। अब देखिए इंडिया और रशिया जो है, मैं दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज़ इंक्रीज टू $27 बिलियन जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है, लेकिन ठीक है जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो $25 बिलियन की इंपोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है, अब जाहिर बात है नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $24 बिलियन जो ऑयल क्रूड ऑयल ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। आप देखें कि ये दी वो क्या नाम है इस बिजनेस फोरम इंडिया रशिया बिजनेस फोरम पे वो बात कर रहे थे। सो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ जो और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं जिसमें गैज़प्रॉम बैंक है, ज़ेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्होंने इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी, तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं चीज़ें, बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है, ठीक है जनाब। ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इंपैक्ट। अब देखिए कि जो और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो चुका है, ईस्टर्न मैरिटाइम कॉरिडोर जो है उसके ऊपर भी चीजें चल रही हैं। पाकिस्तान ने तो कभी इस पर बात नहीं ना की और हम क्योंकि पाकिस्तान में बात करना नहीं चाहते क्योंकि हम तो जिन्होंने पंजाबी कहते हैं ना वो बिल्ली अखा कबूतर की होंगी, वो कबूतर बिल्ली वे अखा बंद कर लेता है, ठीक है, हमने आंखें बंद की हुई हैं, हम तो देखने नहीं चाहते दाएं बाएं क्या हो रहा है, इस तरह की बातें तो नहीं ना हमने करनी, ठीक है जी। अब ये कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जो एक्ट है कि भाई इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक तो वो जारी बात है उनकी बाइंग कैपेसिटी है, वो कह रहे हैं कि दिस इज नॉट हाउ देयर देखें ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाइना के साथ मिल के इंडिया अमेरिकन डॉलर को नीचे लेके आ रहा है एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, चाइना के साथ मिलके, दिस इज व्हाट द चाइनीज वांट, दिस इज व्हाट द इंडियंस वांट।
ठीक है जी, कि वो किस तरह इसको जो है वो नीचे लेके आ रहे हैं, किस तरह उसको जो है वो इस चीज को नीचे कर रहे हैं, लेकिन nobody is talking on that. ये वो देखे ना क्या कमाल से वो चीजें जो है वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है जनाब. और उन्होंने अपनी जो दोस्ती है वो भी कायम की हुई है, पूरी दुनिया ने जिसे पंजाबी कहा ना टिल ला लिया, ना कहा नहीं जनाब हम पीछे नहीं हटने वाले, ठीक है. इंडिया और रशिया आज देख लें, पाकिस्तान के चैलेंजेस जो हैं वो बड़े लंबे लंबे, हमारे तो मसाइल हैं. वी डोंट हैव सच अ फ्रेंड इवन जो हमारे लिए खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा ठीक है जनाब. अब इंडिया ने अपने आप को उस पोजीशन में ला के खड़ा कर लिया कि वो ईस्ट एंड वेस्ट सब के साथ खड़ा हुआ है, बिकॉज उन्होंने अपनी वो जो क्या उसे बोलते हैं कंट्री है उसकी जो जो पॉपुलेशन है उसको एज ए यूज़ किया एज ए कमोडिटी. उन्होंने उसको कहा भाई इसको बेचो और ठीक है, अब वो इतना बड़ा है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे द इंडियंस हैव द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी व्हिच वी लैक. वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है. अब हमारे जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात होगी तो वो कहेंगे जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लेट्स से 6.1 बिलियन डॉलर सेंट्रल बैंक में पड़ा हुआ है और ये 8 साल पहले ये कंडीशन थी. अगर आप सेंट्रल बैंक का डाटा उठा के देखें तो 8 साल पहले ये कंडीशन थी. आज आप देख लें, आप ये तो नहीं कह सकते कि जनाब इट मींस के जो 10 साल पहले की थी वहीं पे हम आज खड़े हुए हैं. टेक्निकली पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट कर चुका है बिकॉज द मनी विच इज 6.1 बिलियन डॉलर विच इज विद द सेंट्रल बैंक. प्राइवेट बैंकों के पास अपना पैसा पड़ा हुआ है, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी है 5-6 अरब डॉलर है. सो एक इतना बड़ा मुल्क, सॉवरन मुल्क जो है, ये हमने किन के हाथों में दे दिया? ये कौन लोग थे जिन्होंने हमारे मुल्क के साथ ये किया? और हम किसी से तो हम तो बात भी नहीं कर सकते. और आपको पता है ये इस तरह के जालिम लोग हैं, ना तो ये सवाल करते हैं ना सवालों के जवाब देते हैं. कि अगर हम ट्रेड की बात करें तो आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है, रशिया और श्रीलंका ने कहा है कि हम इंटरनेशनल बेस किस भी मुल्क के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडियन रुपी को यूज़ करेंगे, डॉलर को नहीं. अगर हम कल की बात करें तो 35 ममालिक ने कहा था हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे तो इंडियन रुपी में करेंगे. क्या आपको लगता है कि क्या रीजंस हैं जो कि श्रीलंका और रशिया ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है? इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो मार्केट है वो बहुत चीप मार्केट है, लेबर बहुत चीप है और वो एक बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन वाइज एक बड़ी कंट्री है. तो हर जो इंटरनेशनल मार्केट का जो भी कोई भी इंटरेस्ट रखता है ट्रेड के अंदर तो वो इंडिया को फोकस करना चाह रहा है.